नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, इसी कड़ी में बिलासपुर से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार, जो किम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और ऑर्थोस्कोपी सर्जन है। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में। नमस्कार। चलिए तो आज डॉक्टर से घुटनों के दर्द के बारे में विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी लेंगे। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि घुटनों के में जो दर्द होता है उसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, बिकॉज आज अगर देखें तो घुटनों के दर्द के साथ बहुत मरीज आते हैं हमारे यहाँ ये बात। लेकिन यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि घुटनों के दर्द के कारण जो हैं वो बुज़ुर्गों में अलग होते हैं और कम उम्र के लोगों में अलग होते हैं। तो हमें इस समस्या को उसी तरह समझना हो चाहिए। अगर मैं, क्योंकि उसी हिसाब से उनका इलाज भी अलग अलग होता है, बिल्कुल। तो अगर मैं शुरू करूं तो अगर हम कम उम्र के लोगों में देखें तो उनमें घुटनों का दर्द का एक बहुत ही कॉमन कारण होता है, जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर नी पेन, जो कि उसका एक मेडिकल टर्म भी है, थोड़ा कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। हालांकि बहुत ही फैंसी टर्म है, लेकिन ये दर्द, इसमें मरीज कुछ इस तरह के कंप्लेंट्स लेके आते हैं, इस तरह की समस्याएं लेके आते हैं कि यूं तो उनको कुछ नहीं होता है, यूं वो कंफर्टेबल रहते हैं, बट कुछ खास पोजीशंस में, कुछ खास काम करते वक्त उनको दर्द होता है। जैसे कि जब वो बैठे हुए पोजीशन से जब वो उठने की कोशिश करते हैं, या फिर जब वो सीढ़ियों से चढ़ने उतरने की कोशिश करते हैं, या फिर जब ज़मीन पे बैठे रहते हैं और फिर उठने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें घुटनों में दर्द महसूस होता है। इस तरह की जो तकलीफ होती है, ये अगर हम देखें तो ये इसका स्रोत क्या है, इसका ये दर्द कहाँ से आ रहा है, तो ये दर्द एक्चुअली जो घुटना है हमारा, घुटने के सामने एक छोटी हड्डी होती है जिसे हम पटेला बोन कहते हैं, नी कैप कह सकते हैं उसे, या कई बार आम भाषा में घुटने की कटोरी भी कहते हैं उसे। तो ये दर्द उसके पीछे, उस कटोरी के, उस पटेला बोन के जो पिछले हिस्से में जो एक पतली सी परत होती है, कार्टिलेज जिसे कहते हैं, ये दर्द वहां से आ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि वो कार्टिलेज जो है वो उसकी क्षमता कम हो गई है, वो थोड़ी कमजोर पड़ गई है और शरीर का कुछ बनावट इस तरह का हो गया है जिस वजह से वो पटेला जो है अपने पीछे की हड्डी के साथ घर्षण खा रहा है और एक तरह का ओवरलोड हो रहा है, जिस वजह से आपको उठने बैठने में जब वो घर्षण जब होती है पीछे की हड्डी के साथ, तब दर्द महसूस होता है। जी, मेरा अगला क्वेश्चन भी पटेला बोन से ही रिलेटेड है। डॉक्टर, युवाओं में घुटने में दर्द के क्या कारण होते हैं, सबसे पहले तो आप इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद अगर समझे सामान्य तौर पर पैटेलो फेमोरल पेन जो होता है सिंड्रोम और मेनिस्कस ज़्यादा देखने को मिलता है युवाओं में, वो क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं? बिल्कुल सही। ये जैसे कि एक मैंने कारण बताया आपको, एक पैटेलोफेमोरल पेन का, उसमें है कि क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, हमारी लाइफस्टाइल वैसी हो गई हैं, तो ये, और कई बार जो है पाँव का जो आकार है वो इस तरह का होता है कि उस बोन पे जो है लोड ज़्यादा पड़ता है, वो एक तरह का ओवरलोड है, और इस तरह की सिम्टम्स आती हैं। ये चीज़ यहाँ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये कहीं भी किसी भी तरह से ये आर्थराइटिस से रिलेटेड नहीं है। जो जोड़ों का जो घसना होता है, जो कि हम आमतौर पे एक्सपेक्ट करते हैं आगे बढ़ती उम्र में, लगभग 55, 60, 65 की उम्र में, ये वो नहीं है। ये दिक्कतें प्रायः लोगों को अपने 25, 30, 35 साल के होते हैं उनमें आती है ये दिक्कत। जी, ठीक उसी तरह से जो आपने जैसा बोला कि एक दूसरी दिक्कत है जैसे कि मेनिस्कस और लिगामेंट्स की, मेनिस्कस और लिगामेंट्स जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं घुटने के जोड़ के। लिगामेंट्स जो होते हैं वो घुटने को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, उसे स्टेबल रखते हैं, और मेनिस्कस का जो काम होता है वो एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है, कुशन का काम होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चोट आती है, तो वो चोट, लेकिन हम कई बार रियलाइज नहीं करते हैं,
वो सिंपल हो सकती है वो चोट, जैसे कि आप एक निचले बैठे हुए पोजीशन से सडनली उठ गए हैं, अचानक से उठ गए हैं और आपका पाँव मुड़ा हो, जी तो उस मुड़ने की वजह से जो है कई बार अंदर ही अंदर जो है उस लिगामेंट या फिर उस मेनिस्कस में एक टेयर आ जाता है, वो फट जाता है। आमतौर पे ये इंजरीज जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन में देखी जाती हैं, जैसे बिल्कुल कि जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या उन्हीं में होता है, ये बात ऐसा ऐसा नहीं है। ये आम जनता, आम पॉपुलेशन जो कि अपना रेगुलर काम कर रही है उनमें भी हो सकता है। स्पेशली एक बहुत ही कॉमन एक कंडीशन है, बहुत कॉमन सिनेरियो है, तब जबकि लोग बाइक चलाते रहते हैं और कई बार अचानक से उनका पूरे बाइक का वजन उनके एक पैर पे आ जाता है और वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और उसी चक्कर में उनका पाँव जो है वो इस तरह से मुड़ जाता है कि वो अंदर ही अंदर वो घुटने के अंदर का जो लिगामेंट या मेनिस्कस है उसकी चोट आ जाती है, वो फट जाता है, वो उसमें टेयर आ जाता है। तो इस बिल्कुल तरह से जब मरीज आते हैं तो उनके घुटनों में काफी दर्द होता है, सूजन रह सकती है, उनको घुटना मोड़ने में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में एक तो जरूरी है कि इमीडिएटली अगर हमें दर्द को कम करना है तो उस पे हम बर्फ से सिकाई करें, आइस पैक्स लगाएं जी जो कि दर्द को कम करे और घुटने को हम थोड़ा रेस्ट दें। इससे क्या होता है, जो सडन जो बहुत ज्यादा दर्द होता है वो कम हो जाता है थोड़ा, और जितना जल्दी हो सके इसका हम एक सही डायग्नोसिस पे आएं, एक एक ऑर्थोपेडिक जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मुलाकात करें, क्योंकि जब तक इन प्रॉब्लम्स का सही ढंग से डायग्नोसिस नहीं हो पाता, सही ढंग से पता नहीं लग पाता, तब तक उसका सही इलाज कर पाना मुश्किल रहता है। बिल्कुल डॉक्टर, एक मेरा पर्सनल सवाल भी है, क्योंकि देखा जाता है कि हम लोग आम जिंदगी में भी देखते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा घुटनों में प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है घुटनों में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है उसके? देखिए, अगर एथलीट्स की हम बात करें तो एथलीट्स में जो है वो जब तक वो फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं, उनका अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन अगर इस तरह का है जिसमें कि उनको काफ़ी दौड़ना है, काफ़ी बेंड करना होता है, जी तो वैसे स्पोर्ट्स में जो है इन्हीं लिगामेंट्स और मेनिस्कस की जो टेयर्स होती हैं, जो जो उनका फटना होता है वो काफ़ी कॉमन हो जाता है, और इसीलिए इनका सही तरह से डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें एक उन्हें एग्जामिन करना पड़ता है, उनके एक्सरेज की ज़रूरत पड़ती है और इन इन केसेस में कई बार उनका एमआरआई, घुटने का एमआरआई भी निकालना पड़ता है। जी अब उसके इन तीनों के अनुसार जिस चोट की सिवियरिटी का हमें अंदाज़ा लगता है कि वो एक आधी चोट है, मेरा मतलब है उससे कि वो पार्शियल चोट है, मतलब पूरी तरह नहीं फटा है कुछ, या फिर वो कंप्लीट है, मतलब या वो पूरी तरह फट चुका है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होता है। प्रायः जो पूरी तरह फटे हुए लिगामेंट और मेनिस्कस होते हैं उनके लिए एक सर्जरी की आवश्यकता होती है। आज के डेट में ये सर्जरीज काफ़ी एडवांस्ड हैं और काफ़ी कम समय में हो जाती है, और इनफैक्ट ये आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से मेरा मतलब है कि ये की होल सर्जरीज होती हैं, बहुत ही छोटे चीरे के थ्रू ये सर्जरीज होती हैं, लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर के चीरे से, जिससे कि एक घुटने के अंदर एक दूरबीन डाली जाती है और घुटने के को अंदर का स्ट्रक्चर अंदर से उसे देखा जाता है कि क्या-क्या चोटें और आई हैं और उसे हम किस तरह से रिपेयर करें। इसके बिल्कुल रिपेयर में हम शरीर का ही एक लिगामेंट या का हिस्सा लेते हैं या टेंडन का हिस्सा लेते हैं और उसे उस ओरिजिनल लिगामेंट जो उसका ओरिजिनल जैसे ACL है तो उसका आकार देते हैं और फिर उसे वहां पर बटन्स या स्क्रूज के मदद से हम घुटने के अंदर फिक्स करते हैं ताकि घुटना का जॉइंट जो है वो वापस से स्टेबल हो सके और उसमें आगे चल के दर्द और सूजन वगैरह उस तरह की दिक्कतें ना आए। इसका इस तरह से इलाज कर लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि देखा गया है कि अगर लिगामेंट्स और मेनिस्कस की चोटों को अगर अनदेखा किया जाए, क्योंकि कई बार मरीज आते हैं वो अपने पेन किलर्स खा के अपना दर्द किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं और इस प्रॉब्लम को अनदेखा करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम आज नहीं होगी बल्कि आज से लेकिन कुछ साल बाद ज़रूर होगी। उनके उनके घुटनों में आर्थराइटिस
जो कि प्रायः हमें 60-65 साल में देखने को मिलता है, वो इनमें और पहले देखने को मिल सकता है, बिल्कुल जिसका कि आगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलाज है कंपेयर टू ये जो अभी हम करते हैं। बिल्कुल सर, युवाओं की बात कर ली है, एथलीट्स की बात कर ली है, तो बुज़ुर्गों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनमें भी घुटनों का दर्द जो है एक बहुत कॉमन समस्या है। जैसे जैसे उम्र ढलती है, घुटनों का दर्द काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है बुज़ुर्गों में। उसका क्या कारण होता है, ये तो आपसे जानना ही चाहेंगे। एक शब्द सुना है मैंने आपसे, ऑस्टियो आर्थराइटिस, क्या ये भी उसका कारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो सबसे, इनफैक्ट सबसे कॉमन कॉज है बुजुर्गों में घुटनों के दर्द का। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक एज रिलेटेड चीज है, वो उम्र के साथ साथ जो है वो बढ़ती जाती है। इसमें जो घुटने के अंदर का जो कार्टिलेज है, जो कि समय के साथ साथ घिसना शुरू होता है, वो एक समय पर, एक उम्र के बाद वो इतना घिस चुका होता है कि वो अब वहाँ पर दर्द शुरू होने लगता है, सूजन आने लगती है, जकड़न महसूस होती है, खासकर जब सुबह वो उठते हैं या जब बैठे हुए पोजीशन से वो चलने की कोशिश करते हैं तो वो जकड़न सी महसूस होती है। और कुछ समय तक ये चीज़ें मैनेजेबल होती हैं, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर इसे बहुत दिन तक अनदेखा किया जाता है तो जो मरीज़ हैं वो फिर अपने घर में ही कन्फाइंड रह जाते हैं, कहीं बाहर उनका निकलना कम हो जाता है। तो ये एक तरह का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ जाता है उन पे, कि जो इंसान कुछ समय पहले तक बढ़िया वॉकिंग पे जा रहा था, जी घूमने मार्केट वगैरह जा रहा था, वो एकदम अब घर में कन्फाइंड होके रह गया है, घर में बंद के रह गया है। बिल्कुल डॉक्टर, एक और शब्द मैंने आपसे इससे पहले, आपने जिक्र भी किया था उसका, पैटेलो फेमोरल पेन का आपने जिक्र किया था, तो समझना चाहूँगी पैटेलो फेमोरल सिंड्रोम क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं? पटेलो फेमोरल पेन जो है वो प्रायः कम उम्र के लोगों में होता है, 25 से 40-45 साल के लोगों में होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें यूं तो मरीजों को ऐसा हमेशा दर्द नहीं बना रहता है, लेकिन जब भी वो बैठे हुए पोजीशन से उठने की कोशिश करते हैं या सीढ़ियों से चढ़ने उतरने की कोशिश करते हैं तब उनको घुटनों में दर्द महसूस होता है, या कई बार जब गाड़ी से उतरने के लिए जब उठना होता है उनको, तब उनको दर्द महसूस होता है। इसमें घुटने के अंदर की जो कार्टिलेज जो होती है, जो अंदरूनी सतह होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिसके वजह से जो उसके आसपास की हड्डियों से पे रगड़ खाने से और भी उस पे लोड बढ़ता है, जिस वजह से वहाँ पर दर्द होता है। सर, दर्द तो आपने बता दिया और कैसे पता लगाया जा सकता है इसका, ये भी समझ लिया है, लेकिन अगर तो इलाज की उसको बात, जी इलाज की अगर इसकी बिल्कुल बात करें पैटेलो फेमोरल सिंड्रोम के, तो उसके इलाज क्या होते हैं? और देखिए, घुटनों का दर्द है तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है, क्या महत्व है उसका? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला, जैसे कि आपने बोला कि सबसे पहला जरूरी है कि हमें उसका सही डायग्नोसिस करें, जिसके लिए हमें एक्सरेज की मदद जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट पार्ट है वो, उसमें हमें कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं देते हैं, जिससे कि घुटने के अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है यानी जो अंदरूनी सूजन है वो कम हो सके। साथ ही हम कुछ कार्टिलेज सप्लीमेंट्स देते हैं, जो अंदर का जो कार्टिलेज जो कि कमज़ोर पड़ गई है उसे वापस से एक तरह से रीजनरेट करें। और तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज जो कि घुटनों की स्पेसिफिक स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि वहाँ घुटनों के आसपास की मसल्स को और कंडीशन करती हैं, ताकतवर बनाती हैं और स्ट्रेच करती हैं। इससे धीरे धीरे जो है घुटनों का जो है वापस से वो जो इम्बैलेंस है, जो ओवरलोड है, वो धीरे धीरे करेक्ट होता है एंड जो जी मरीज है वो अपना वापस से नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल, अगर मेनिकस सिंड्रोम की बात करें तो वो कैसे होता है और उसका क्या कुछ उपचार हो सकता है डॉक्टर? मेनिस्कस का, जी माफ़ कीजिएगा। जी हाँ, मेनिस्कस का, जैसा कि मैंने बताया कि मेनिस्कस की चोटें जो हैं उनको पता लगाने के लिए हमें एक्सरेज, एमआरआईज करने की जरूरत पड़ सकती है मरीज को देखने के बाद।
और इनकी चोटों के लिए हमें प्रायः आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये चोटें अगर मामूली सी हैं, अगर कम सिवियरिटी की है, कम गंभीरता की हैं, तो इनका रेस्ट और दवाओं से और कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से ही इनका काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि अगर ये टेयर या जो इनमें चीरा आया हुआ है या वो कंप्लीट है, यानी वो काफ़ी वो उसकी सिवियरिटी ज़्यादा है, वो गंभीर है, पूरी तरह फट चुका है, तो वैसे टेयर्स के लिए, वैसे जो फटे हुए मेनिस्कस हैं उनके लिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। इन आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज में हम मेनिस्कस को हम या तो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर वो बहुत बुरी तरह से अगर वो डैमेज हो चुका है तो फिर अनफॉर्चुनेटली उसे कई बार हमें निकालना भी पड़ता है। चलिए, उपचार की बात तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन पता कैसे चलेगा कि जो व्यक्ति है वो मेनिस्कस सिंड्रोम जैसी बीमारी से या समस्या से जूझ रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेनिस्कस की चोटें जो हैं उसे पता लगाने के लिए मरीज को प्रायः एक अंदेशा रहता है कि उसका घुटना एक मुड़ा है। मुड़ने के बाद घुटने में दर्द का एहसास होता है जो कि शायद पहले नहीं था, और फिर घुटने में सूजन उसे नोटिस करता है वो। घुटने मोड़ने में दिक्कत आती है, खासकर जब हम बैठने की कोशिश करते हैं या पालथी मार के बैठने की पर कोशिश करते हैं, चौकड़ी मारने की बैठने की कोशिश करते हैं, तब दर्द काफ़ी महसूस होता है। तो ऐसे केसेस में फिर आपको एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से दिखा लेना ज़रूरी है, जो कि आपको शायद एक बार एग्जामिन करेगा और एक्सरेज और एमआरआई जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो करवाने की सलाह देगा। इससे हमें बिल्कुल इस बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चलिए अगर पता चलता है तो पर्टिकुलर उसके जो उपचार हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वो किए जा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घुटने के दर्द या घुटने की जो समस्या होती है लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर ऐसा किया गया, उसको अनदेखा किया गया, तो क्या कोई गंभीर परिणाम हो सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि आपने अभी मेनिस्कस की चोटों के बारे में डिस्कस किया था, तो ये खासकर मैं जोर देना चाहूँगा कि जो लिगामेंट और मेनिस्कस की चोट है, अगर इनका हम सही समय से इलाज नहीं करें तो ये आगे चल के ये घुटनों में आर्थराइटिस डेवलप करा सकता है, क्योंकि वह घुटनों की स्थिरता, घुटनों की स्टेबिलिटी कमज़ोर पड़ गई है। इस वजह से घुटने जो हैं आपस में घर्षण ज़्यादा खाते हैं, जिस वजह से वो समय से पहले ही उनमें आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो जो समस्याएं शायद आपको 60, 65 या 70 की उम्र में होने वाली थी, वो आपको काफ़ी पहले ही, कई साल पहले ही होने लगेंगी, और आपका लाइफस्टाइल शायद पहले से ही काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई, ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, वो असल में होता क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसमें जो घुटने के अंदर की जो परत होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जिसके ऊपर दो सतह जो है घूमती है या मुड़ती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में उस सतह वो सतह जो है वो घिस जाती है एक तरह से, उस कार्टिलेज में डैमेज आता है। उस कार्टिलेज में डैमेज आने के कारण जो अंदरूनी हड्डी है वो आपस में एक दूसरे से रगड़ खाने लगती है, जिस वजह से दर्द उठता है, और साथ ही साथ घुटनों पे जो है घुटने हल्के टेढ़े होने लगते हैं। तो इन सभी कारणों से जो है घुटनों में दर्द और जकड़न और घुटनों का टेढ़ापन देखने को मिलता है, उठने बैठने में दिक्कत आती है, सीढ़ियों से चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है, चौकड़ी मार के बैठने में दिक्कत आती है, ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत सी समस्याएं होती हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन डॉक्टर देखिए, आप जिस तरह से देखा जा रहा है कि घुटनों का उपचार करते हैं, किम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं समझना चाहूँगी क्या कुछ वहाँ पर सुविधाएं मरीजों को दी जाती हैं, किस तरह से आप लोग वहाँ उपचार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास सभी तरह के मोडालिटीज़ हैं उपचार के। मरीज़ों को जिनको दवाइयों और फिजियोथेरेपी का सिर्फ किसी की सिर्फ ज़रूरत है, तो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधाएं हैं, और
जिनको हमें जिनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसे हम बोलते हैं, जिन्हें हम सर्जरी की आवश्यकता है, तो हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज भी करते हैं यहाँ पर, यानी जो की होल सर्जरीज होती हैं, छोटे चीरे वाली सर्जरीज होती हैं जिससे कि लिगामेंट और मेनिस्कस का इलाज हो पाए, हम वो सब भी यहाँ करते हैं। और जिन एक और मोडालिटी होती है, कई बार जब आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है तो वैसे केसेस में हम घुटनों में इंजेक्शंस भी दिया करते हैं, तो एक वो भी एक अच्छा तरीका है इलाज करने का, खासकर जब आर्थराइटिस वगैरह बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, बहुत अर्ली स्टेज में है। और जब डिले हो जाता है, जब सर्जरी एकमात्र उपाय रहती है, तो वो भी हम जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं जी वो भी करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, बिलासपुर की जनता तो काफ़ी ज़्यादा सौभाग्यशाली नज़र आ रही है। घुटनों का दर्द अगर किसी को है तो वो लोग जा सकते हैं आपके पास, लेकिन अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की जनता और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की, तो क्या कुछ संदेश आप उनको देना चाहते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि घुटनों के दर्द जैसी समस्या आए ही ना? घुटनों के दर्द की समस्या, मैं एक संदेश देना ये चाहूँगा कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। मतलब उससे मेरा मतलब है अपने वजन को कंट्रोल में रखें, आप रेगुलर नियमित एक्सरसाइज करें, ये नहीं कि सिर्फ सैटरडे संडे एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, भले वो कम देर का ही हो, क्यों वो आधे घंटे का ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर करें। साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, जो भी आपको पसंद है, स्विमिंग करें, और वज़न को कंट्रोल में रखें, डाइट अपना अच्छा रखें, अपने डाइट में दूध रखें, प्रोटीन्स अच्छा रखें, और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी तकलीफ आती है तो उसे जल्दी से जल्दी एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से उसका उपचार करवाएं। बिल्कुल, लेकिन युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा ये समस्या देखी जा रही है घुटनों के दर्द की, उनको क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेना चाहिए? कोई अलग से संदेश आप देना चाहते हैं? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से जो बच्चे हैं या कम उम्र के लोग हैं, 18 से 25 साल के लोग, उनको भी घुटनों की काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है चलने फिरने में भी। बिल्कुल, ये जैसा कि मैं कह रहा था कि इनका भी इलाज, इनका भी अगर अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि ऐसे ऐसी तकलीफें हमें ना आए, तो अगेन ये उनमें भी अप्लाई होता है, उनमें भी उनके लिए भी लागू होता है कि वो जो है अपना वजन काबू में रखें और नियमित एक्सरसाइजेस करें घुटनों के, ताकि हमारे घुटनों में की स्ट्रेंथ बनी रहे, ताकि जो छोटी मोटी इंजरीज हैं उससे हम बच सकें। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है डॉक्टर, जिस तरह से आप जिक्र बार बार कर रहे हैं वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो घुटनों की जो एक्सरसाइजेस हैं वो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है सभी के लिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ जो आपने साझा की। थैंक यू, नमस्कार। तो आज डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार ने हमारे साथ घुटनों के दर्द के बारे में कई जानकारियां साझा की हैं। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। यदि आपको भी घुटनों में दर्द है तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।